आगरे वालों को क्लास किए हुए कितना टाइम हो गया? है? कितना? 4 जनवरी को 2007 नहीं 8 में, तो 3-4 महीने हुए। तीन चार महीने में कितनी नई आत्माएं निकली? हाथ उठाना। अरे वो सब आगरा ही वाले कहे जाते हैं राजा खेड़ा तक है? राजा खेड़ा तक सब आग रहने वाले हैं, आग बबूला, और आगे रहने वाले हैं। कोई पीछे रहने वाले नहीं है। अच्छा, शंकर को बैठा हुआ भी दिखाया है, शंकर को लेटा हुआ भी दिखाया है, शंकर को सोता हुआ भी दिखाया है, शंकर को दौड़ता हुआ भी दिखाया है, खड़ा हुआ भी दिखाया है, सोता हुआ माने लेटा हुआ इसलिए दिखाया है कि छोटे बच्चे के रूप में सोता हुआ चित्र पहले नहीं था। पहले था क्या? नहीं था, बाद में ये चित्र निकला। माना यज्ञ के आदि में ये सोता हुआ चित्र नहीं था। बाद में ये चित्र निकला और मुरली में बाप बताते हैं कि राम फेल हो गया, फेल हो गया। तो यज्ञ के आदि में फेल होने का क्या मतलब? अज्ञान में चला गया या ज्ञान में जीवित बचा? है? अज्ञान अंधेरे में चला गया, अज्ञान नींद में सो गया, जब बाप ने प्रवेश किया था तो दादा लेखराज ब्रह्मा के साक्षात्कारों का भी अर्थ बताया था। तो जागृत होता है तो दूसरों को भी जगाता है। तो ब्रह्मा बाबा भी जाग गए, परंतु शुरुआत में इतना ज्ञान नहीं था। और आत्मा बुद्धिबाजी थी,
यह भावनावादी थी। बुद्धिवादी आत्मा को बुद्धि का भोजन चाहिए, ज्ञान, और यज्ञ के आदि में ओम ओम का ध्वनि उच्चारण होता था, भक्ति मार्ग के साक्षात्कार होते थे या ज्ञान सुनाया जाता था, भक्ति मार्ग के साक्षात्कार होते थे। इसलिए बुद्धि का भोजन न मिलने के कारण वो आत्मा ज्ञान से टूट गई, ज्ञान यज्ञ को छोड़ के चली गई, अज्ञान निद्रा में सो गई, बच्चे के रूप में जन्म ले लिया। इसलिए चित्रकारों ने भी चित्र बनाए दिए। ये लक्ष्मी का हिजूर क्यों दिखाई है? ये लक्ष्मी इनका हिजूर क्यों दिखाई है? प्रजाति क्या दिखाई? इनका तो मन लाल है और लक्ष्मी जी का ही है। पुरुष लक्ष्मी नारायण के पीछे जो पेशगीर दिखाया है उसकी बात कर रहे हैं? लंबा चौड़ा कपड़ा दिखाया है। हाँ, पुरुषों में और स्त्रियों में भाव स्वभाव संस्कार में कुछ अंतर होता होगा या नहीं होता है? ज्यादा गर्म दिल का कौन होता है और ठंडे दिल का कौन होता है? है? लाल रंग गर्मी का सूचक है, इसलिए उनको गर्म पेशगीर दिखाया गया है। लाल 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 वो ज्ञान सूर्य है, तो पेशगीर भी कैसा है? लाल लाल है। सवेरे को सूर्य उगता है तो लाल लाल रोशनी होती है। और स्त्री चोला तो स्वभाव से ही ठंडा होता है। ये पेड़ पौधों में कौन सा रंग सबसे जास्ती होता है? हरा रंग। लाल रंग गर्माहट पैदा करता है, दिमाग में भी गर्मी लाता है, और हरा रंग ठंडास पैदा करता है। पेड़ पौधों को पीले होने की बात नहीं है, भाव स्वभाव को ठंडा और गर्म करने की बात है। तो कन्या माताओं का स्वभाव संस्कार ही ठंडा होता है। उन कन्या माताओं की प्रतिनिधि करने वाली शक्ति भारत माता है। भारत माता कहो, लक्ष्मी कहो, पार्वती कहो, बात एक ही है। इसलिए उनको पेशगीर भी हरा दिखाया है। पीछे से कोई माता बोल रही थी। बाबा हाँ। पूर्व जन्मों का हिसाब किताब होता है तो पूरा करना पड़ता है, हैं? हैं? अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि श्रवण कौन है? श्रवण का अर्थ है कान। श्रवण का अर्थ है जिसकी बहुत लोग महिमा सुनते हो, उसका नाम रख दिया श्रवण, बहुत याद करते हो। माता पिता की बड़ी सेवा की, और माता पिता कैसे थे? अंधे थे।
जो काम माता पिता नहीं कर सके वो बच्चे ने करके दिखाया। सारे भारत में सारे तीर्थों का चक्कर लगाया। बाप दादा कहते हैं जो चक्कर लगाते हैं वो क्या बनते हैं, हैं? चक्रवर्ती राजा बनते हैं। तो ब्रह्मा और सरस्वती उनके द्वारा जो ज्ञान सुनाया गया उस ज्ञान के आधार पर ब्रह्मा और सरस्वती ने भगवान के प्रैक्टिकल साकार स्वरूप को पहचाना या नहीं पहचाना है? तो ज्ञान के अंधे कहे या सोजरे कहे, अंधे माता पिता थे। यज्ञ के आज में भी भगवान बाप आया हुआ था, परंतु अहंकार के अंधे होने के कारण उस भागीदार जिसमें बाप शिव आया हुआ था, जो उनकी दुकान में नौकर था, तो अहंकार होता है ना, ये तो मेरा नौकर है, नहीं पहचान सके। वो अंधे माता पिता कि ब्राह्मण परिवार में वो राम बाप वाली आत्मा दोबारा फिर जन्म लेती है और ज्ञान में आ जाती है, तो उसके माँ बाप कौन हुए प्रैक्टिकल में है? वो ही ब्रह्मा सरस्वती उसके माँ बाप हुए। अब यही तो बात है, एक बात समझ में आ गई कि श्रवण कुमार किसका नाम, किसका, किसकी यादगार है, हैं? किसकी यादगार है? राम वाली आत्मा की यादगार है श्रवण कुमार। अब दूसरी बात, ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला और विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। सत्य की नई सृष्टि की जब शुरुआत होती है तो पहले पहले सृष्टि पर ऊंच से ऊंच आत्माएं कौन होती है? विष्णु रूप में वो कौन आत्माएं हैं जो पहले पहले नई सृष्टि में विष्णु रूप में प्रत्यक्ष होती है, हैं? प्रजापिता तो पतित को कहा जाता है, वो तो चेंज हो जाता है। संगमयुगी लक्ष्मी और नारायण, राम वाली आत्मा, या कहें शंकर और पार्वती। तो सतयुगी नई सृष्टि के आदि में जो विष्णु स्वरूप हैं, तो सृष्टि का जब अंत होता है, 2036 शुरू होता है, तो आदि सो अंत, वो विष्णु स्वरूप कौन सी आत्माएं होती हैं? हैं? जो आदि में थी वो ही अंत में ब्रह्मा बाबा के भागीदार कहो, उनके बहनोई कहो, वो बहन और बहनोई एक मत में रहते हैं। एक मत हो जाना पति पत्नी का, जैसे कि विष्णु बन गया, चारों भुजाएं मिलकर के काम करती हैं। ऐसे नहीं एक एक बात सोचे तो दूसरी दूसरी बात सोचे, एक की दृष्टि एक तरफ जाए तो दूसरे की दृष्टि दूसरे चीज पे जाए,
नहीं तो उनको कहते हैं विष्णु, दोनों एक हो करके रहते थे, मिलकर के एक हो जाते थे। दादा लेखराज ब्रह्मा के जीवन में ये बात नहीं कही जा सकती। कैसे? प्रैक्टिकल जीवन में उनकी युगल का नाम था यशोदा। अगर यशोदा और दादा लेखराज दोनों ही एक ही स्वभाव संस्कार के थे तो यज्ञ को पालन करने वाली कौन होनी चाहिए? यशोदा होनी चाहिए। लेकिन यशोदा में वो शिष्ट नहीं थी। और भागीदार की पत्नी में वो शिष्ट थी, जिसके लिए मुरली में बोला है ऐसी ऐसी बच्चियां थी जो मम्मा बाबा को भी दिल कराती थी, टीचर बन करके बैठती थी। हम समझते थे ये तो बहुत अच्छा नंबर बाला में आ देंगी। तो आ देंगी या नहीं आ देंगी? आ देंगी। तो यज्ञ के आदि में वो विष्णु थे, उन विष्णु की नाभि से ब्रह्मा और सरस्वती निकले। फिर ब्रह्मा सरस्वती से, ब्रह्मा से क्या निकलता है? ब्रह्मा की नाभि से फिर विष्णु निकलता है। तो संक्षेत्र की घोषणा कर दी, आने वाले 10 वर्षों में 12 से भ्रष्टाचार विकारों का अंत होने वाला है, लक्ष्मी नारायण का राज्य आने वाला है। तो संक्षेत्र में वो राधा और कृष्ण जो संगमुगी कृष्ण और राधा के रूप में प्रत्यक्ष होने वाले लक्ष्मी नारायण है, वो फिर प्रत्यक्ष हो जाते हैं। तो ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। ये क्रम चलता ही रहता है शूटिंग पीरियड में भी। हाँ जी, अब बोलो। ये दूसरी है, द्रौपदी के चीर खेचा हो, बोलो सब। द्रौपदी का चीर खेचा हो तो वह पांचों पति क्यों खड़े रहे और दूसरा फिर न चीर खेचा तो फिर से भगवान को आवाज दी तो फिर भी ना उसका चीर बढ़ाया। ये बात इस बात को बताती है कि आखिरी दुनिया में ऐसा समय भी आवेगा बाप बाप नहीं रहेगा, ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर नहीं रहेगा, माँ माँ नहीं रहेगी, बाप बाप नहीं रहेगा, चाचा चाचा नहीं रहे, सारे संबंध झूठे हो जाएंगे, गुरु गुरु नहीं रहेगा, टीचर टीचर नहीं रहेगा, राजा राजा नहीं रहेगा, कोई किसी की सुरक्षा नहीं कर पाएगा। अंत में सिर्फ एक बाप की याद ही काम आवेगी। हाँ जी, शक्ति मार्ग में सभी देवियों की ज्यादातर अच्छा, और लक्ष्मी नारायण के चित्र में भी लक्ष्मी जी के चित्र है, वो बाल खुले हुए हैं, इनका क्या रहते हैं? महिलाओं को नारी जाति को खुले रखना अच्छा या छोटी बनाना? द्रौपदी का जब अपमान हुआ था तो उसने क्या किया था? है? केस खुले छोड़ दिए थे कि दुर्योधन दुशासनों को याद आए कि ये दुर्योधन दुशासनों की दुनिया कोई काम की नहीं है। जो शिव शक्तियां हैं असुर संहार कारिणी है, असुरों का संहार करने पर जब तुल जाती है तो केशों की संभाल में उनका दिल नहीं लगता। शंकर की जुड़ी है। हाँ जी, पीछे कोई बोल रहा है, सुनो। हाँ, मना कर दिया ना, हो गया काम। हाँ,
और कन्या है तो कन्या ही होगी, गंगा है तो गंगा ही होगी। अरे जूड़ी में चारों ओर आठ नौ विशेष आत्माएं मणकों के रूप में दिखाई जाती है, और उन मणकों के बीच में कन्या दिखाई जाती है। कन्या का नाम गंगा दिया जाता है। सर के ऊपर माँ बाप किसको चढ़ाते हैं? जो बच्चे बहुत प्यारे होते हैं उन प्यारे बच्चों को प्यार में आकर माँ बाप सर पर चढ़ाई लेते हैं, कहते हैं ना इसको तो सर के ऊपर चढ़ाया हुआ है। तो कोई कन्या है एडवांस पार्टी की, जिसने एडवांस में सबसे पहले ज्ञान लिया है और कन्याओं ने बाद में लिया है, लेकिन उस कन्या ने सबसे पहले और सबसे सतोप्रधान स्टेज में ज्ञान लिया। आज में ही लिया है। लेकिन मुरली में बोला है ज्ञान गंगाएं निकली हैं अंत में, क्योंकि गंगा के किनारे चौकड़ी मार के ज्यादा कौन बैठते हैं? माना सन्यासियों की अम्मा है, ज्ञान तो बाप से लिया आज में, परंतु सन्यासी बन करके बैठ गई, परंतु ताकत तो भर ली ना। मुरली में बोला है अंत में जब सन्यासी निकलेंगे तो तुम बच्चों की जीत हो जाएगी। तो गंगा और गंगा के किनारे चौकड़ी मारने वालों का जब परिवार निकलता है तो तुम ब्राह्मण बच्चों की जीत हो जाती है। वो ज्ञान गंगाएं निकली है अंत में, अभी टाइम आ गया निकलने वाली है। इसलिए कन्या का चेहरा सर के ऊपर जो जूड़ा होता है उसमें दिखाया जाता है, माना ज्ञान सुनने सुनाने की ऊंचे से ऊंची स्टेज कोई कन्या ने धारण की है। इसलिए बाप अपना टाइटल उस कन्या को भक्ति मार्ग में दिलवाते हैं। ज्यादा गायन किसका होता है? पति तो पावन के रूप में, जैसे राम सीता को कहते हैं पति तो पावन सीता राम, वैसे ही बाप का टाइटल कोई कन्या को भी मिला हुआ है, पति तो पावनी गंगा। जरूर इतनी सेवा की होगी। और अव्यक्तवाणी में बोला है गंगा कहाँ से निकली? भक्ति मार्ग में इलाहाबाद का गायन है या कोई और शहर का गायन है? इलाहाबाद का गायन है, लेकिन वाणी में बोला गंगा कहाँ से निकली, इलाहाबाद से या कानपुर से? अब बताओ कानपुर का नाम लेने का क्या मतलब? गंगा के किनारे के शहर तो ढेर हैं। पहला शहर तो हरिद्वार ही है, दूसरा बड़ा शहर फरुखाबाद भी है, पटना भी है, वाराणसी भी है, इनका नाम क्यों नहीं लिया? कलकत्ता भी है, इनका नाम क्यों नहीं लिया? कानपुर का नाम क्यों लिया? क्योंकि ज्ञान सुनते सुनते कानपुर गए, इतना ज्ञान सुना। सच लाइट में नहीं, रोड लाइट।
तो इसमें नई बात क्या हो गई? जो पढ़ाई पढ़ेगा तो उच्च पद पावेगा। यहाँ बेहद में ऊंच से ऊंच पार्ट किसका है और विक्टरी यह कौन है? विक्टरी माने जीत, वो निकलती है और जीत ये सामने खड़ी हो जाती है। मुरली में बोला है, शहद की मक्खियों की एक रानी होती है, वो रानी जब निकलती है तो उसके पीछे पीछे सारा झाड़ जाता है। तो जीत हो जाती है या हार हो जाती है तब झाड़ जाता है, जीत हो जाती है। बाबा कंस में ये मतलब देवकी के 8 पुत्र मार दिए और एक लड़की पछाड़ी, वो कौन है? लड़की को पछाड़ दिया कि उसके हाथ से निकल गई? आप उल्टी बात नहीं बोलिए। कहते हैं कंस ने 7 बच्चों को कोस लिया। बाप दादा बोलते हैं कोस घर बनाते हैं। कोस घर का मतलब क्या है? कोस घर का मतलब है विकारों में कोसे जाते हैं। तो कंस ने 7 कुमारों को सरेंडर किया जो सतयुग में नारायण बनते हैं, अंतिम 7 गद्दियों के मालिक बनते हैं। उनको कोस लिया, क्या विकारी बना दिया, विकारी बना करके जेल में डाल दिया, जेल में से पैदा हो। कृष्ण जैसे 7 बच्चे पहले पैदा होते हैं, वो 7 बच्चे कृष्ण के मुकाबले विधर्मी होंगे या सुधर्मी होंगे? विधर्मी होते हैं 7 नारायण। 7 के बाद फिर 8वां नंबर होता है कृष्ण बच्चा, अंत में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है। कहते हैं छुपा रस्तम बाद में खुले, बाद में कृष्ण की प्रत्यक्षता होती है। वो कृष्ण की, वो कंस की जेल में कोसे जाने से बच जाता है। कंस उनको सूपनखाओं पूतनाओं के चक्कर में नहीं आने देता या नहीं ला पाता। बाकी 7 पूतनाओं और सूपनखाओं के चक्कर में आ जाते हैं, कोस लिए जाते हैं, मर जाते हैं। विघ्न रूपी दीवालों से पटक देता है। उनके स्वाभिमान को नष्ट कर देता है, परंतु कृष्ण के स्वाभिमान को नष्ट नहीं कर पाता। कोई मुरली में ऐसा बोला है कि कुमार सरेंडर हो करके रहे? क्यों नहीं बोला है? क्योंकि पुरुष सब दुर्योधन दुशासन है, उनको सरेंडर करके रखने की दरकार नहीं है। दूसरे पुरुष सब स्वतंत्र हैं, उनको शरण लेने की कोई दरकार नहीं है। कलयुग के अंत में कन्याएं माताएं इस दुनिया में सेफ्टी से नहीं रह पाती, इसलिए उनको भगवान की शरण लेना जरूरी है। तो कन्याएं माताएं शरण होनी चाहिए, शरण में आनी चाहिए, सरेंडर होनी चाहिए,
कोई कुमारों को सरेंडर होने की दरकार नहीं है, लेकिन कंस ने क्या किया ना, कुमारों को भी सरेंडर करके रख लिया। अरे जो अपना जीवन अपने आप नहीं चला सकता, अपने पैरों खड़े होकर के अपने जीवन के लिए कमाई नहीं कर सकता, दूसरों से भीख के आधार पर जीवन गुजारता है, अधीन बन करके रहता है, वो अधिकारी राजा कैसे बनेगा? रानी को तो अधीन होना ही होना है, लेकिन राजा कोई के अधीन होता है क्या? नहीं होता है। और हाँ उधर उधर छुटल लिया को बोलने दो। काय की दवाई? लक्ष्मी को, एक बात पूछो पहले, लक्ष्मी को उल्लू की सवारी क्यों दिखाई है? हाँ, कमल के फूल पर बैठने का मतलब ये है, जैसे कमल का फूल होता है वो कीचड़ में रहता है, कहाँ रहता है? कीचड़ में रहता है, लेकिन उसमें कोई भी कीचड़ का अंश भी नहीं रहता, माने कमल फूल का आधार लेती है। क्या? कमल फूल का आधार लेती है, कीचड़ में रहती नहीं है लेकिन आधार लेती है, यानी जगदम्बा है कीचड़ में रह करके जीवन बिताने वाली, कीचड़ की दुनिया में रहती है और बुद्धि से कमल फूल के समान उपराम होकर के रहती है। जैसे जगत पिता शंकर को दिखाया है कमल फूल के ऊपर, जीवन कैसा होना चाहिए? कमल फूल के समान। तो जगत पिता का जीवन ऐसा होता है तो जगदम्बा का भी जीवन ऐसा ही होता है, और वो जगदम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी कही जाती है। उस ज्ञान ज्ञानेश्वरी जगदम्बा का आधार लेती है लक्ष्मी, इसलिए लक्ष्मी को कमल फूल का आसन दिखाया है, परंतु लक्ष्मी सवारी करती है उल्लुओं के ऊपर। आज की दुनिया के बड़े बड़े साहूकार, लखपति, करोड़पति, अरबपति, वो लक्ष्मी का वाहन बनते हैं, लक्ष्मी उनके ऊपर सवारी करती है, माने ब्रह्मा कुमारियां उनकी जो मुखिया बन करके संसार में प्रत्यक्ष होती है, वो शक्ति का नाम क्या है जो ब्रह्मा कुमारियों में सबसे ऊंचा पद पाती है? हैं? वैष्णो देवी। वो वैष्णो देवी किसकी सवारी करती है? हैं? साहूकारों की सवारी करती है। वो उल्लू होते हैं जिनकी बुद्धि रूपी सर जमीन के कामों में लगा रहता है, उनकी बुद्धि रूपी पांव ऊपर हो जाते हैं, माना ऊंची दुनिया जो नई दुनिया आने वाली है, नई दुनिया स्वर्ग है, बड़े से बड़ा धाम परम धाम, उसको लात मारते हैं, और जो पुरानी दुनिया जाने वाली है उस पुरानी दुनिया में उनकी बुद्धि लगी रहती है। उल्लू, उल्लू कैसे लटकता है? मिट्टी की दुनिया में बुद्धि लगी रहती है, और जो भगवान नई दुनिया बनाने वाले हैं उस नई दुनिया को पहचान नहीं पाते, ऐसे साहूकारों के ऊपर वो लक्ष्मी
सवारी करती है। है जो ताकतवर होता है वो अपनी ताकत जरूर दिखाता है, जिसमें ताकत ही नहीं है तो ताकत कहां से दिखाएगा। सुभाष चंद्र बोस में मुकाबला करने की ताकत थी तो उन्होंने संगठन तैयार किया और चैलेंज कर दिया किसको, ईसाइयों को, जिनका राज भारत में था। उनका कहना था कि मुकाबला करके ही हम सच्चा राज्य ले सकते हैं, झुक करके सच्चा राज्य नहीं लिया जा सकता। इसलिए गांधी जी के लिए कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। उन्होंने जो राज्य लिया उससे राम राज्य स्थापन हुआ कि रावण राज्य स्थापन हो गया, और ही रावण राज्य स्थापन हो गया। और अनाज जब भून जाता है तो उसमें आत्मा कहाँ से आ जाती है, ये अनाज जब भून जाए ना तो उसकी एक आत्मा। जैसे गर्भ के अंदर पहले बच्चा निर्जीव होता है कि उसमें जीवन होता है, फिर उसमें आत्मा कहाँ से आ जाती है। जैसे गर्भ में बच्चे में निर्जीव पिंड में आत्मा आ जाती है, ऐसे ही जो गेहूं आदि दाने हैं उनमें आत्मा आ जाती है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, है शूटिंग कैसे, जो संगम की कृष्ण है उसके लिए बोला है नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण। वो दादा लेखराज ब्रह्मा के लिए बोला है या संगम की कृष्ण के लिए बोला है, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण। तो चारों ही एक ही हैं या अलग अलग है, तो संगम भी कृष्ण अलग है, वो ही भगवान का साकार पार्ट है जो गीता का भगवान है। दादा लेखराज कृष्ण बच्चा है या भगवान की तरह समझदार बाप है, उनके मुख के द्वारा मुरली बोली गई, मुरली के वाक्यों को उन्होंने समझा, गहराई को जाना, जाना तो कुछ भी नहीं, जितना बोल दिया उतना जान लिया। शास्त्रों में संगम की कृष्ण की यादगार नहीं है, संगम की कृष्ण जो है वो बच्चा नहीं है, बच्चा बुद्धि है। क्योंकि वो सतयुग में कृष्ण के रूप में पैदा होता है, सतयुग की यादगार की बात नहीं है, यादगार बनाई जाती है संगम युग की। संगम युग में 68 तक और 68 के बाद अभी तक भी ब्राह्मण परिवार में कृष्ण किसको माना जाता है, फिर हाँ राम को 14 साल का वनवास क्यों दिया गया। अरे पांडवों को 13-14 साल का वनवास दिया गया
तो राम को भी 13-14 साल का वनवास नहीं दिया जाएगा? क्यों नहीं दिया जाएगा? बातें कहाँ की हैं? संगम की बातें हैं। हर हर बम बम, जब बम को फटते हैं तभी पापों का हरण होता है। जब तक बम फटते नहीं है तब तक कोई को डर पैदा नहीं होता, और डर पैदा नहीं होता तो बाप को याद भी नहीं करते ठीक से। अभी याद करते हैं क्या? आराम से अमृत वेला सोते हैं, क्योंकि अभी बम फटे नहीं है। ज्ञान के भी बड़े बड़े बम फटने हैं, बाहर की दुनिया के बड़े बड़े बम भी फटेंगे, तब हर हर होगा, पापों का हरण होगा। अभी तो बुद्धि घड़ी घड़ी तिरक जाती है, तो पापों का हरण होगा? एकाग्र बुद्धि से याद करेंगे तब पापों का हरण होगा, या विभिचारी याद करते रहेंगे तब पापों का हरण होगा? हैं? एकाग्र हो करके, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, ऐसी याद हो तब ही पापों का हरण होगा। तब वो तब होगा जब बम फटेंगे। बिनु भय होए न प्रीति गुसाई, जब तक भय पैदा नहीं होता है तब तक प्रीति भी पैदा नहीं होती। हाथ उठाओ, नहीं दोनों तरफ बोल रहे हैं। हाँ, बोलो। बोला आत्मा है ना, उसको ज्ञान में कब तक पूरी आ जाएंगी? जब प्रजा पूरी आ जाएगी तो राजाएं बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? पहले राजाएं तैयार होंगे कि पहले प्रजा तैयार हो जाएगी? तो राजाएं 16,108 जो राजाई पाने वालों का परिवार है वो एक तरफ तैयार होगा, तो उनको पीछा करने वालों की जो प्रजा है हुजूम वो भी तैयार हो जाएगा। बाप प्रजाई तैयार करने आया है या राजाई तैयार करने आया है? तो राजयोग से राजाएं तैयार हो रहे हैं, प्रजा तो अपने आप ही तैयार हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, सतयुग और त्रेता की कोई हिस्ट्री नहीं है शास्त्रों में। है? आत्मा में संस्कार नहीं होते? आत्मा में संस्कार रहते हैं या नहीं रहते? यहाँ संगम युग में जिन्होंने आत्मिक स्थिति की ज्यादा प्रैक्टिस की होगी तो वो सतयुग त्रेता से लेकर के कलयुग अंत तक वो आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस जिसने ज्यादा की होगी वो कायम रहेगी या नहीं रहेगी? है? कोई आत्मा में ज्यादा से ज्यादा वो स्थिति रहेगी और कोई आत्माओं में वो स्थिति जैसे लोप हो जाती है। तो वो आत्मा कौन है जिसमें अंतिम जन्म तक भी आत्मिक स्थिति कायम रहती है? राम वाली आत्मा। ऐसे ही और भी संस्कार हैं जिनमें ज्ञान के जास्ती संस्कार होंगे, वो द्वापर कलयुग में भक्ति भी ज्यादा करेंगे।
जिनमें अभिविचारी ज्ञान को पकड़ने के संस्कार होंगे, एक शिव बाबा का ज्ञान पकड़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, दूसरों को समझाएंगे, दूसरों का सुना हुआ नहीं समझाएंगे, तो वो संस्कार द्वापर कलयुग में कोई आत्माओं में रहते हैं या नहीं रहते हैं? रहते हैं। ऐसे ही सतयुग त्रेता में शास्त्रों का कथानक नहीं हुआ है, कहाँ की यादगार रह जाती है आत्माओं में? संगम युग में ही जिन आत्माओं ने ब्राह्मणत्व जीवन धारण करके इस ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव किया है और सबसे जास्ती अनुभव किया है, वो ही त्रेत द्वापर त्रेता के अंत और द्वापर के आदि में उनकी स्मृति जागृत हो जाती है और फिर वो ही शास्त्र लिखना शुरू कर देती है जो संगम युग में उन्होंने अनुभव किया था। जिसने ज्ञान जास्ती अनुभव किया होगा वो ही तो शास्त्र लिखेगा। शास्त्र लिखना, पढ़ना और सुनाना, ये भक्ति मार्ग है या नहीं है? तो ये भक्ति मार्ग का फाउंडेशन भी कौन डालता होगा? राजा विक्रमादित्य, वो भक्ति को फॉलो करने वाला है या भक्ति सिखाने वाला है? राजा विक्रमादित्य तो राजा था, पति दुनिया में जो भी राजाएं होते हैं उनको सिखाने वाले कौन होते हैं? वो खुद सीखते हैं कि उनको सिखाने वाला कोई होता है? मंत्री होते हैं। सतयुग त्रेता में भी बाप ही सिखाने वाला होता है बच्चों को, तो त्रेता के अंत में भी राजा विक्रमादित्य का बाप ही था जिसने राजा विक्रमादित्य को सिखाया। ये जो आधा विनाश हुआ है, दुखी दुनिया सामने देखने में आ रही है, इस दुख से निस्तार का कारण तरीका ये है। सोमनाथ मंदिर की स्थापना करो, एक शिवलिंग की पूजा करो, वो स्मृति कहाँ से आई? उस शिवलिंग में भी वो हीरा जड़ने वाली बात किसकी बुद्धि में आई होगी? जो लिंग रूप बन के रहा होगा और उस लिंग रूप बनने के साथ साथ ज्योति बिंदु की याद में भी रहा होगा, ऑटोमेटिक द्वापर का आदि होते ही वो संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। ऐसे ही और ढेर सारे संस्कार शास्त्र लिखने के, शास्त्र पढ़ने के, शास्त्र सुनाने के, वो सारे संस्कार नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार आत्माओं में भरे रहते हैं। कहाँ की यादगार? संगम युग की यादगार। सतयुग त्रेता की कोई हिस्ट्री नहीं रहती क्योंकि आधा विनाश हो जाता है दुनिया का, सिर्फ थोड़े से चित्र और मूर्तियां रह जाती हैं, क्योंकि देवताएं अच्छे अच्छे मूर्तिकार भी थे, कलाकारी उनके अंदर थी, अच्छे अच्छे चित्र बनाने वाले भी थे, देवताएं अच्छे अच्छे संगीतकार भी थे, देवताएं नृत्यकार भी थे, कलाएं रहती हैं, बाकी दुनिया भी पढ़ाइयां नहीं रहती। चंद्रमा की 16 कलाएं कौन सी होती हैं? अलग अलग कलाएं होती है या चंद्रमा की रोशनी की कमती और बढ़ती स्टेज को ही कलाएं कहा जाता है? तो ये भी ज्ञान की रोशनी है, आत्मा में प्रकाश की जो कमी हो जाती है वो कला कम होना कहा जाता है। प्रकाश बढ़ता जाता है,
कला बढ़ती जाती है। हाँ, बुरा काम करेगा तो पत्थर बुद्धि बनेगा या पावन बुद्धि बनेगा? कोई बार बार पोता में लिख करके देता रहे तो बाबा बार बार उसको माफ करता रहेगा क्या? बुद्धि पत्थर बुद्धि बनेगी कि नहीं बार बार वही गलती करने से? अहिल्या अहि माने सांप, ले आ माने ले आई, क्योंकि लगाव लग गया किसके साथ? तो कामी क्रोधी के साथ लगाव लगा लिया, अटैचमेंट जुड़ गया उसका, वो कल्याण करने में लग गई, इसका भी कल्याण हो जाए, मैं तो यज्ञ में हूं ही, ये भी यज्ञ में आ जाए, क्योंकि बिना उसके अटैचमेंट के वो रह नहीं सकती। इसलिए बाप की सभा में उस सर्प को ले आई तो नाम क्या पड़ गया? अहिल्या, उसको साप मिल गया। ऐसे भिखारियों को बाप की सभा में नहीं लाना चाहिए, ये जानते हुए भी लेकर आ गई, इसलिए पत्थर बुद्धि बन गई। बाबा संगठन क्लास होता है तो कै बजे से कै बजे तक होना चाहिए? संगठन क्लास में कन्याएं माताएं भी आती हैं, कन्याओं माताओं में नौजवान भी होती हैं, छोटी छोटी बच्चियां भी होती हैं, कोई को अकेला भी आना पड़ता है क्योंकि बांधेली होती है। इसलिए कोई भी संगठन का क्लास गीता पाठशाला में तब शुरू होना चाहिए जब दिन का झुटपुटा शुरू हो जाए, और दिन के झुटपुटे में ही रात होने से पहले क्लास पूरा हो जाना चाहिए। गर्मियों में सूरज जल्दी निकलता है, 5 बजे भी निकल आता है तो 5 बजे से क्लास शुरू हो सकता है, सर्दियों में 6 बजे भी नहीं निकलता तो 6 बजे के बाद शुरू होना चाहिए। टाइम फिक्स नहीं बताया, जब दिन निकलने लगे, झुटपुटा होने लगे, आदमी की सूरत दिखाई पड़े तब क्लास शुरू होना चाहिए। और वो रामायण में ना 4 भाई दिखाए हैं ना, राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न, तो राम की तो पता चला कि कौन सी आत्मा है, और वो 3 दिखाया उनका क्यों नहीं बताया? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, लेकिन कहने वाले क्या प्रैक्टिकल में जानते हैं कि ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई कब थे? अरे कभी प्रैक्टिकल में एक बाप के बच्चे रहे होंगे ना, तब ही तो भाई भाई कहे जाते हैं, कि ऐसे ही कहे जाते हैं? तो ये संगम युग में ब्रह्मा के पहले 4 पुत्र हुए, ज्ञान के आधार पर बड़े छोटे हो गए, पहले पैदा होने की बात नहीं है, ज्ञान में जो बड़ा वो बड़ा हो गया राम, बाकी 3 भाई इस्लामियों का बीज भरत, बौद्धियों का बीज लक्ष्मण, क्रिश्चियंस का बीज शत्रुघ्न, ये 4 भाई कहे गए जो सीढ़ी के चित्र में ऊपर 4 दिखाए गए हैं। इस 76 की बात है, जहाँ सीढ़ी के चित्र में नीचे लिखा हुआ है 40 वर्ष का संगम युग, वो 40 वर्ष का संगम युग कौन से सन में पूरा होता है? 76 में पूरा होता है।
सती यानी सूर्य सभी सतियों में बड़े हमें ब्रह्म विष्णु छोटा बच्चा बना दिया हम करते हैं तो गलत है। ब्रह्मा है, विष्णु है, शंकर है, संगम युग में जितने भी ब्राह्मण पात्रधारी है जितने भी पात्रधारी संगम युग में है उनमें कन्या माताओं के लिए छूट दी है कि वो सुपनखाएं पूतनाएं होना कंपलसरी नहीं है। तो कोई सती अनुसुईया जैसी भी होंगी जो अपने जीवन में ज्ञान में आने के बाद कभी भी विचार भी नहीं बनती है उनको कहा गया सती अनुसुईया। उनका आधार लेकर के ब्रह्मा का पात्रधारी, विष्णु का पात्रधारी, शंकर के पात्रधारी वो भी उनके बच्चे बन जाते हैं। माने वो सबकी दादी अम्मा बन जाती है, परदादी जगदम्बा तो रही है, जगदम्बा तो खुद ही ब्रह्मा है। और हाँ हाँ शरीर को कपड़ा कहा जाता है। इस शरीर रूपी कपड़े को पहनने वाली कौन है? आत्मा। तो शंकर कोई कपड़ा नहीं पहनते, मना शरीर रूपी वस्त्र को भूले हुए रहते हैं, इसलिए उनकी यादगार में जो जैन मुनि होते हैं वो नंगे रहते हैं। वो समझते हैं नंगे रहने से हम आत्मा बन जावेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो नागा बाबाएं होते हैं हिंदुओं में वो भी नंगे रहते हैं। वो समझते हैं नंगे रहने से हम आत्मा बन जावेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। असली बात क्या है? अपन को आत्मा समझना 24 घंटे देहभान में न आना, माने नंगे रहना। इसलिए शंकर को नंगा दिखाते हैं, ऐसे नहीं उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। हाँ एक का कहती है ये हाँ? माता जी क्या कह रहे हैं वो बताओ पहले, तुमसे नहीं पूछा जा रहा है, उन्होंने सुना नहीं। हाँ बताओ। जो सीमा को ग्रहण पत्र है ना माता जी सीख रही है चंद्रमा को। हाँ हाँ। तो कर्जा मांगते हैं दीवला वेदांत तो छूटे ग्रहण। हाँ हाँ। जो वो माता ने पूछा है उसका जवाब न दे। जो चांडाल होते हैं जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तो नदी के किनारे, सरोवर के किनारे, सागर के किनारे चांडाल लोग होते हैं, वो आवाज लगाते हैं क्या? वेदांत तो छूटे ग्रहण। क्या माना? अपने विकारों का दान दो, योगदान दो तो चंद्रमा का ग्रहण छूट जाएगा। माना ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा जगदम्बा काली में प्रवेश कर जाता है तो वो काली के मस्तक में क्या दिखाया जाता है?
क्षीण हुआ चंद्रमा दिखाया जाता है। वो चंद्रमा को ग्रहण लगा हुआ है पांच विकारों का। वो महाकाली जगदम्बा जो प्रकृति का रूप है, प्रकृति माता है, वो जड़ बुद्धि है या चैतन्य बुद्धि है? जड़ तुम्हारी है। वो भगवान के रूप को पहचान सकती है या नहीं पहचान सकती? हाँ, हाँ, नहीं पहचान सकती। इसलिए मुरली में बोला है, मेरे साथ रहने वाले बच्चे मेरे को नहीं पहचान पाते, जिंदगी भर मेरे साथ रहे और फिर भी मेरे को नहीं पहचाना। तो जड़ बुद्धि हुए या चैतन्य बुद्धि हुए? जड़ तुम्हारी बुद्धि हो गई। ऐसी जड़ बुद्धि वालों को योगदान दो, तब आत्मा का ग्रहण छूटेगा, क्योंकि वो तुम्हारी अम्मा है। तो अपने अम्मा बाप का ही उद्धार नहीं कर सके, उसकी परवरिश नहीं कर सकते, तो तुम किसकी परवरिश करोगे? बालिग बुद्धि हो तो समझ से काम लो। प्रकृति माता कहो, जगदम्बा कहो, महाकाली कहो, अगर उसको योग का दान न दिया, दे दान तो छूटे ग्रहण नहीं होगा, पूरा महाविनाश हो जाएगा, सब मर जाएंगे, ज्ञान में से टूट जाएंगे। तो आया समझ में? वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा उसके लिए ही बोला हुआ है, एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। जैसे दिल्ली के लिए बोला है, दिल्ली परिस्थान बनती है और दिल्ली कब्रस्थान बनती है। दिल्ली का सुधार सारी दुनिया का सुधार, दिल्ली का परिवर्तन सारे भारत का परिवर्तन हो जाता है। अगर दिल्ली का ही परिवर्तन नहीं हुआ, राजधानी का ही परिवर्तन नहीं हुआ, तो सारे भारत का और दुनिया का परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन वो परिवर्तन मन मत के आधार पर या मनुष्यों की मत के आधार पर नहीं होगा, कैसे होगा? हाँ, एक श्रीमत के आधार पर होगा। तो एक को पहचानो और उस एक की मत पर चलो। एक के ऊपर सारा मदार है। किसके ऊपर? जगदम्बा के ऊपर। ऐसे नहीं, रखड़ती है तो रखड़ने दो। आवाज ही नहीं सुनाई दे रही सर। स्विच है, स्विच। हाँ जी, एक के परिवर्तन होने से सारी दुनिया परिवर्तन हो जाएगी। चार को छोड़ो। हाँ, हर मंदिर में शंकर जी आदि मूर्ति होती है। आदि नहीं होगा तो मंदिर कहाँ से बनेगा?
हाँ हाँ, कोई मंदिर है वो किसकी यादगार है? मंदिर किस बात की यादगार है? अरे मंदिर में पूजा करते हैं तो जिनकी पूजा करते हैं वो किसकी यादगार है? भगवान और देवी देवताओं की यादगार रखी है ना। उसी यादगार में अगर आदि ही नहीं होगा, जो आदि करने वाला है वो आदिनाथ ही नहीं होगा तो मंदिर होगा क्या? हाँ, दिल माने याद, याद की यात्रा। ये काली के बच्चे को चंद्रमा दिखाते लेकिन दूसरा नेत्र भी दिखाते, वो कैसी यात्रा? चंद्रमा दिखाते हैं माने ब्रह्मा की सोल प्रवेश है, और तीसरा नेत्र दिखाते हैं इसका मतलब उसके अंदर जितना ज्ञान है उतना ज्ञान और कोई के अंदर न कोई दीदी दादी है जो उससे ज्ञान का मुकाबला कर सके, और न कोई दुर्योधन दुशासन है जो उसका मुकाबला ज्ञान का कर सके। पुरुषों में एडवांस ज्ञान कूट कूट के भरा हुआ है लेकिन वाचा तक सीमित है, इसलिए ज्ञान का तीसरा नेत्र दिखाया जाता है और जीव बड़ी लंबी दिखाई जाती है। हाँ जी, माने भुजाएं ज्यादा हैं इसका मतलब है सहयोगी बहुत बनते हैं। जो भी रुद्रमाला की शक्तियां हैं, कन्याएं माताएं हैं, वो किसकी भुजाएं हैं? है? अरे जो भी रुद्रमाला है उसमें कन्याओं माताओं का जो चोलाधारी है वो किसकी भुजाएं बनते हैं? लक्ष्मी की भुजाएं बनते हैं या जगदम्बा की भुजा बनते हैं? जगदम्बा की भुजा बनते हैं, इसलिए जगदम्बा को अनेक भुजाएं दिखाते हैं। अरे तो प्रश्न को अधूरा करने के लिए आपको मना किसने किया? पूरा करो। हाँ, एक जगदम्बा जब तक संपन्न नहीं बनेगी तब तक विष्णु की चार मूर्तियों में से कोई मूर्ति संपन्न नहीं हो सकती। हाँ, तो अभी 7 बजने वाले हैं, घर जाने की कोई को चिंता नहीं। रुद्रमाला के मणके हैं कि नहीं है? ये रुद्रमाला के मणके हैं, जगदम्बा की भुजाएं महाकाली की भुजाएं बनने वाली है। ध्यान रखना चाहिए घर वालों का भी।